नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का ये वीडियो बहुत तगड़े होने वाला है कि ओला S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर ले या CNG जो आ चुकी है बजाज चेतक की फ्रीडम, जो वर्ल्ड में पहली CNG मोटरसाइकिल है, इनमें से कौन सा ले। ऑफ कोर्स ये डिटेल वीडियो होने वाला है, मैं आपको डिटेल एनालिसिस देने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें मैं कंसिडर कर रहा हूँ, जैसे कि इनिशियल कॉस्ट दोनों की कितनी है, रनिंग कॉस्ट कितनी है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, सेफ्टी कैसी है, बैटरी कॉस्ट कैसी है, चार्जिंग और रिफ्यूलिंग कैसा कर सकते हैं, फ्यूल अवेलेबिलिटी दोनों में कैसे, लुक्स दोनों के कैसे और लाइफ कैसे है। और इसमें और एक पॉइंट आपके लिए ऐड कर देता हूं फीचर्स का, जो मैं ऐड करने वाला था बाद में, बट अभी आपको बता देता हूं। तो ये डिटेल कंपैरिजन होने वाला है। ये कंपैरिजन करने के बाद इस वीडियो का मेन सबसे ज्यादा मोटिव बड़ा ये है कि आपको क्लैरिटी आना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेहतर है या CNG टू व्हीलर बेहतर है। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन भी दबा देना। पहले मैं आपको इनिशियल कॉस्ट का कैलकुलेशन बता देता हूं और यहां पे मैं फ्रीडम जो है उसकी इनिशियल कॉस्ट कंसीडर कर लेता हूं। तीन मॉडल्स में आ जाता है फ्रीडम। एक है 95,000 एक्स शोरूम, दूसरा है 105,000 एक्स शोरूम और तीसरा है 115,000 एक्स शोरूम। ऐसे तीन प्राइसेस में आ जाता है। अगर आप ऑन रोड जानने की कोशिश करो तो लगभग 15,000 से 20,000 रुपए इसमें ऐड हो जाएंगे आपको ऑन रोड प्राइस लेने के लिए। अगर ओला S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो अभी लगभग ये 1,06,000 एक शोरूम में मिल रहा है। मतलब इसमें अगर आप लगभग 10,000 से 15,000 ऐड कर दोगे तो 1,20,000 तक आपको ओला S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर आ जाएगा। तो इनिशियल कॉस्ट तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैं आपको दिखा दूंगा, बट जो रनिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन है वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि CNG जो है वो थोड़ा सा कम कॉस्टली रहेगा, तो वो भी क्लैरिटी आ जाएगा। तो रनिंग कॉस्ट क्या है दोनों का, एकदम सिंपल करके बता रहा हूं। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप उसको पूछ लो। तो रनिंग कॉस्ट, तो पहले CNG का एक्सप्लेन कर देता हूं। जो फ्रीडम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाया है, इलेक्ट्रिक नहीं सॉरी CNG वाला, उसमें 2 kg का लगभग आप CNG डालते हो। तो कोई कोई सिटीज में 70 रुपए किलोग्राम है, कोई कोई सिटीज में 90 रुपए किलोग्राम है, कोई कोई सिटीज में 100 रुपए किलोग्राम है। मैं इसको ज्यादा से ज्यादा कंसिडर कर लेता हूं, 100 रुपीज पर किलोग्राम इसकी प्राइसिंग है। तो यहां पे CNG भरवाने के लिए आपको 200 रुपए लग जाएंगे सीधा, एकदम सिंपल। और ये 200 रुपए में बोलते हैं कि लगभग आपको लेके जाएगा कितना, पता है आपको, 200 रुपए में 200 किलोमीटर लेके जाएगा। अगर हम बात करें दूसरा, तो भाई यहां पे 2 लीटर का आप पेट्रोल डाल सकते हो। ये CNG हो गया और ये पेट्रोल हो गया, 2 लीटर का पेट्रोल डाल सकते हो। एक लीटर पेट्रोल की कॉस्ट लगभग 106 रुपए है। फिर से बोल देता हूं, कोई कोई सिटीज में स्टेट्स में अलग अलग कॉस्ट हो सकती है। 106 रुपए यहां पे नासिक में है और नासिक में CNG की कॉस्ट एक्चुअली कम है, बट मैंने थोड़ा सा ज्यादा रख के कैलकुलेशन किया क्योंकि फालतू कमेंट्स लोग करते रहते हैं। तो एक एवरेज कॉस्टिंग कंसिडर कर रहा हूं 106 रुपए, और यहां पे 106 रुपए की अगर बात करें तो भाई ये सीधा बन जाएगा ₹212। तो ये 212 रुपए में लगभग कितना चला जाएगा, कितना चला जाएगा पता है आपको, ये बोलते हैं कि लगभग 130 किलोमीटर चला जाएगा। तो दोनों की अगर हम एडिशन करें तो यहां पे 330 किलोमीटर है, और अगर यहां पे दोनों रुपए की कैलकुलेशन करें तो 200 प्लस 212 बिकम्स 412। तो 412 रुपए में ये लगभग 330 किलोमीटर जाएगा। अभी फिर से बोल देता हूं, अगर यहां पे CNG की कॉस्ट जैसे नासिक में 70 रुपए ही है तो यहां पे बन जाएगा सीधा 140, और 140 प्लस 212 आप करोगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे। तो इसको मैं राउंड कर देता हूं, लेट्स एज्यूम इसका राउंड फिगर हम कंसिडर करते हैं 350 रुपए। तो 350 रुपए में लगभग ये चला जाएगा भाई कितना, 330 किलोमीटर। तो मैं आपको सिंपल अभी कैलकुलेटर ऑन करके बता देता हूं, हमें रुपीज पर किलोमीटर निकालना है। तो यहां पे हमें नंबर मिला था 350, तो 350 रुपए कितने किलोमीटर के लिए, 330 किलोमीटर के लिए। तो यहां पे 1.06 रुपया आ जाता है। तो लगभग मैं इसको बोल देता हूं कि इसका जो रनिंग कॉस्ट है, CNG का जो रनिंग कॉस्ट है, इट इज ₹1 पर किलोमीटर। यहां पे मैंने सिंप्लीफाई करके बताया है। प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। सिंपल करके बता रहा हूं, CNG का रनिंग कॉस्ट मतलब लगभग पेट्रोल पकड़ के, हाँ पेट्रोल पकड़ के लगभग 1 रुपया पर किलोमीटर चला जाएगा। ये लिस्ट रहेगा, इससे नीचे नहीं जा सकता, ये लिस्ट रहेगा, इससे नीचे नहीं जा सकता। लगभग 1 से 1.5 रुपया पर किलोमीटर इसका कॉस्ट रहेगा, CNG प्लस पेट्रोल, ये जो हाइब्रिड चल रहा है ना उसका। अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक को, तो अगर हम ओला S1 एयर की बात करें तो 3 kWh का बैटरी पैक है, और 3 kWh मतलब ये 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी के। एक यूनिट की कॉस्ट अगर मैं पकड़ू 8 रुपया, तो लगभग 8 रुपया मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 24 रुपीज चार्जिंग को लग जाएंगे ओला S1 एयर को। और 24 रुपीज में कितना किलोमीटर जाएगा, कंपनी तो कहता है 151
किलोमीटर जाएगा, मैं पकड़ता हूं भाई सिर्फ 125 किलोमीटर चला गया, कितना 125 किलोमीटर, तो रुपीज पर किलोमीटर कितना होगा जल्दी से बोल देता हूं, तो रुपीज पर किलोमीटर यहां पे 24 रुपीज फॉर हाउ मच 125 किलोमीटर, तो यहां पे आपको पता जाएगा 0.192, तो इसको मैं राउंड करके बोल देता हूं ये हो जाएगा लगभग 20 रुपीज 0.20 मतलब 20 पैसा पर किलोमीटर। तो यहां पे आप देखो मिनिमम मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रनिंग कॉस्ट है वो कम से कम 20 पैसा, ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूंगा 30 पैसा प्रति किलोमीटर रहेगी, वेयर एज सीएनजी प्लस पेट्रोल हाइब्रिड जो है उसकी रनिंग कॉस्ट लगभग 1 से 1.5 रुपया प्रति किलोमीटर रहेगी। आई होप आपको ये कैलकुलेशन क्लियर हो चुका है, नहीं तो आपको वीडियो पीछे जाके आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हो। तो रनिंग कॉस्ट ऑफ सीएनजी इज अराउंड 5 टू 6 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहां पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि रनिंग कॉस्ट ऑफ ईवी इज क्वाइट लेस एज कंपेयर टू द पेट्रोल व्हीकल। तो यहां पे हमें क्लैरिटी आ गया, तो रनिंग कॉस्ट में यहां पे दिख देता हूं मैं इनिशियल कॉस्ट जो है ओला एसवन एयर की, इसमें एक्स शोरूम प्राइस लिख रहा हूं लगभग रुपीज 1,06,000 रुपए, और यहां पे आप वर्जन कौन सा लोगे उसके ऊपर डिपेंड है, यहां पे आप 95,000 से शुरुआत कर सकते हो बट मैंने डिस्क वाला वर्जन कंसिडर किया तो 1,05,000 यहां पे एक शोरूम प्राइस है। ओके, रनिंग कॉस्ट यहां पे है 20 पैसा, यहां पे है 1 रुपया, तो लगभग 5 टाइम्स है। मेंटेनेंस कॉस्ट मैं बोलूंगा यहां पे 500 रुपए पर ईयर होगा, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए पर ईयर, बट यहां पे आपका आईसी इंजन है उसको मेंटेनेंस लगता है, लगभग 125 सीसी का इंजन यहां पे लगाया है, तो मैं बोलूंगा 1,000 से 1,200 रुपए पर ईयर तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट यहां पे लगेगा। कौन से भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट है, आपको लग रहा है गलत जा रहा हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं सीख रहा हूं, मैं सीखता हूं और लोगों को सिखाता हूं, तो मैं हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट हूं, तो मैं भी गलत हो सकता हूं, तो आपके कमेंट्स नीचे कमेंट में डाला, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा अच्छा यूज करना। ओके, सेफ्टी मैं मुझे लगता है ये ज्यादा सेफर है, अगर आप बैटरी अच्छी तरीके से चार्ज डिस्चार्ज करोगे, ओवरहीट नहीं करोगे, ज्यादा फास्ट नहीं चलाओगे तो ये सेफर है। यहां पे आप एक्चुअली सीएनजी के ऊपर बैठे हो, आई नो जो बजाज वाले हैं उन्होंने अच्छे अच्छे टेस्ट किए हैं, लगभग 11 टेस्ट करके उन्होंने कंफर्म किया है कि उनके इलेक्ट्रिक उनका जो सीएनजी है वो फुल्ली प्रूफ है, मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, उन्होंने वहां से जो ट्रक है लगभग 10 टन का जो ट्रक है वो भी उस गाड़ी के ऊपर से चलाया है, तो वो तो बोलते हैं, बट मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है, आई एम नॉट अगेंस्ट सीएनजी बट थोड़ा सा रिस्की। बैटरी कॉस्ट अभी यहां पे लगभग मैं बोलूंगा 5 साल, आप कितना किलोमीटर रोज चलाते हो उसके ऊपर डिपेंड है, 5 साल के बाद लगभग आपको बैटरी कॉस्ट लगेगी, अगर ओला एसवन एयर की बात करें हम लगभग 60,000 रुपए तक उसकी बैटरी कॉस्ट रहेगी, बट यहां पे आप रनिंग कॉस्ट में इतना सेविंग कर रहे हो ना कि ये बैटरी कॉस्ट फिर से इन्वेस्ट करने में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहां पे बैटरी कॉस्ट 0 रहेगी। चार्जिंग और रिफ्यूलिंग ये आप घर पे भी कर सकते हो, यू कैन डू दिस एट होम, यू कैन डू दिस एट फास्ट चार्जिंग स्टेशन। ओके, यू कैन डू दिस, अगर डिटैचेबल बैटरी पैक वाला स्कूटर लेते हो तो बैटरी डिटैच करके आप स्वैपिंग स्टेशन में भी इसको चार्ज कर सकते हो। यहां पे आपको पेट्रोल या सीएनजी पंप पे ही जाना पड़ेगा, पेट्रोल या सीएनजी पंप पे ही जाना पड़ेगा, और नासिक जैसी सिटी में हार्डली 4 से 5 सीएनजी पंप है, तो इतनी बड़ी भीड़ लग जाती है, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे 4-व्हीलर लाइन पर खड़ी रहती है। तो यहां पे अगर सीएनजी का पेट्रोल सीएनजी के पंप्स है उसकी अवेलेबिलिटी कम है तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी टीडियस टास्क फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू बाय सीएनजी स्कूटर। जो भाई सीएनजी स्कूटर खरीदने वाले हैं उनके लिए अगर सीएनजी पंप अवेलेबल नहीं है तो इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी डिफिकल्ट। ओके, अगर बात करें फ्यूल अवेलेबिलिटी की तो वही बोल रहा हूं, यहां पे इजीली अवेलेबल है, आप घर में भी इसको चार्ज कर सकते हो। ओके, और घर में चार्ज करोगे भाई क्या है, 3-पिन सॉकेट लगेगा, उसको लगा डालो घर में चार्ज करो, यहां पे थोड़ा सा टफ है अवेलेबिलिटी, मुझे लगता है थोड़ी सी टफ है, क्योंकि भाई कैसे चार्जिंग करो, कैसे आप रिफ्यूलिंग करोगे अगर आपके घर के पास में या 5 किलोमीटर के रेडियस में सीएनजी पंप अवेलेबल नहीं है तो कैसे करोगे। आगे अगर हम जाए लुक्स, मैं बोलूंगा इसके लुक्स ज्यादा बेहतर है,
एज कंपेयर टू सीएनजी बाइक. ऑफकोर्स आप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से कंपेयर करोगे तो शायद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लुक ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू द सीएनजी मोटरसाइकिल. तो लुक्स बेटर यहां पे बुरे भी नहीं है, गुड अच्छे लुक्स है. लाइफ की बात करूं तो यहां पे मैं बोलूंगा यहां पे लॉन्गर लाइफ रहेगा सीएनजी बाइक का, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा लाइफ देगा क्योंकि भाई यहां पे बैटरी जैसा कंपोनेंट नहीं है, यहां पे मोटर जैसा कंपोनेंट नहीं है, पूरे जो कंपोनेंट्स है वो मैकेनिकल कंपोनेंट है. तो लाइफ आपको ज्यादा मिलेगा. टॉकिंग अबाउट लाइफ, यहां पे लॉन्गर रहेगा, यहां पे थोड़ा सा लेस लाइफ आपको मिलेगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जिसके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर जाना जाता है, फीचर्स यहां पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, लॉट ऑफ फीचर्स, यू विल गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स. ओके, और यहां पे निग्लिजिबल, बहुत कम लेस फीचर्स आपको यहां पे मिलेंगे. तो आपको ये देखना है अभी कि आपको कौन सा बेहतरीन लग रहा है. मुझे ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि सिटी के लिए, टू व्हीलर के लिए इलेक्ट्रिक इज ऑलवेज बेटर देन सीएनजी प्लस पेट्रोल हाइब्रिड. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्पेसिफिकली टू व्हीलर के लिए, सिटी के लिए टू व्हीलर ले रहे हो आप तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इज वे बेटर देन सीएनजी प्लस पेट्रोल हाइब्रिड. क्योंकि यहां पे हमें दिख रहा है जो इनिशियल कॉस्ट है दोनों की लगभग सेम है, रनिंग कॉस्ट 1/5 है. ओके, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, मैं इसको हाईलाइट करता हूं अलग सा इंक लेके. रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, सेफ्टी ज्यादा है. ओके, ऑफकोर्स बैटरी कॉस्ट है, बट कन्वीनियंस देखो, ये कन्वीनियंस देखो, घर में चार्ज कर पाओगे, कन्वीनियंस बहुत ज्यादा है. ओके, फ्यूल अवेलेबिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल है, फ्यूल घर में चार्ज कर पाओगे, लुक्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे, फीचर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे. तो यहां पे सिर्फ दो तीन डिसएडवांटेजेस है, दो ही है. पहला तो बैटरी का, वो भी मैं बोलूंगा अगर आपने सेविंग किया है, इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाया है तो उतना ही पैसा आपको बैटरी लेने में लगेगा, तो ज्यादा वो डिफिकल्ट नहीं है. और दूसरा है लाइफ, ऑफकोर्स जो बैटरी मोटर कंट्रोलर है उसकी लाइफ इधर उधर हो सकती है, बट जैसे बजाज जैसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है भाई, तगड़ी लाइफ है उसको, पूरा मेटल से बना हुआ है. तो यहां पे लगभग हर पॉइंट में ये बैटरी कॉस्ट छोड़ के और लाइफ छोड़ के ऑलमोस्ट दूसरे सारे कंपोनेंट्स में हमें दिख रहा है ओला एस1 एयर इज वे बेटर देन बजाज फ्रीडम. मैं बोलता हूं कौन सा भी इलेक्ट्रिक स्कूटर यहां पे आप डाल दो, सिर्फ ओला एस1 एयर ऐसा नहीं, बट ओला क्यों लिया, क्योंकि अभी टॉप कर रहा है इसलिए ओला मैंने लिया. तो इट इज क्लियरली विजिबल दैट द इलेक्ट्रिक स्कूटर इज वे बेटर देन द हाइब्रिड सीएनजी प्लस पेट्रोल. फोर व्हीलर का सोचोगे तो कैलकुलेशन अलग से जाएगा, फोर व्हीलर के बारे में बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी. ऑफकोर्स फोर व्हीलर में इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रिक का, तो वो डिसएडवांटेज बन जाता है. यहां पे भाई लगभग सेम कॉस्ट है तो वो डिसएडवांटेज रही है. अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो. अभी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जा रहा हूं, एंड दिस ऑफिशियल वेबसाइट, यहां पे बजाज ने भाई वेबसाइट ऑफिशियल किया है बट अभी भी वेबसाइट पे कुछ डाला नहीं है, क्लियरली दिख रहा है. और इसलिए मैं आपको इनका वीडियो दिखा रहा हूं, दो तीन चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता हूं जो इन्होंने कही है. जैसे कि इनका कहना है कि भाई जो इलेक्ट्रिक इनके जो स्कूटर है ये तीन वर्जन में आ रहा है, डिस्क एलईडी, ड्रम एलईडी और सिर्फ ड्रम वाला. तो यहां पे इसके ऊपर से इसकी प्राइसिंग डिसाइड हुई है. एंड इफ यू सी द प्राइसिंग, द लोएस्ट वाला, इफ आई शो यू द, ओ माय गॉड, ऐड आ गया भाई, एक्सेल मास्टरी का ऐड आ गया, इसको स्किप करना चाहता हूं मैं. ओके, तो यहां पे अभी प्राइसिंग दिखा रहा हूं मैं, तो यहां पे क्लियरली आपको दिख जाएगा कि भाई तीन प्राइसिंग आ चुकी है. 95,000 एकदम बेसिक वाला लोगे, एक्स शोरूम प्राइस है. अगर आप ड्रम विथ एलईडी बल्ब लोगे तो 1,05,000, एंड इफ यू गो फॉर डिस्क प्लस एलईडी देन इट इज 1,10,000. और जो टेस्टिंग हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जबरदस्त टेस्टिंग इन्होंने किया है. तो यहां पे करीबन 11 टेस्ट इन्होंने किए, और इसमें जो सबसे बढ़िया टेस्ट था ये फ्रंट कोलिजन वाला तो था ही, और फ्रंट कोलिजन इन्होंने दिखाया और इसमें क्लियर दिख रहा है गाड़ी के पूरे चिथड़े उड़ गए, बट फिर भी जो सीएनजी टैंक है इनका सीट के नीचे वो इंटैक्ट है, सीएनजी टैंक जो है वो इंटैक्ट है. और दूसरा जो टेस्ट किया भाई, इसमें कुछ लीकेज भी नहीं हुआ. दूसरा जो टेस्ट हुआ सबसे डेंजर, ट्रक रन ओवर टेस्ट, इसमें ट्रक पूरा 10 टन का, मतलब 10,000 किलोग्राम्स का ट्रक इस गाड़ी के ऊपर से गया, बट फिर भी उसके सीएनजी टैंक को कुछ नहीं हुआ, उसका लीकेज भी नहीं हुआ और वो फटा भी नहीं. तो ये बहुत बड़े एडवांटेज है ऐसा मैं बोलता हूं. यहां पे इनका कहना है लगभग 75,000 का सेविंग होगा 5 साल में, 50% लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसका क्योंकि सीएनजी हो रहा है. और यहां पे इन्होंने बोला कि कितने सीएनजी पंप्स हैं या कितने सीएनजी वाले हैं जिसके ऊपर से आप ये भर सकते हो, एंड यू गेट अ वेरी गुड थिंग्स लाइक
26% लेस कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत अच्छी बात है। 85% लेसर NMHC और 43% लेसर नाइट्रस ऑक्साइड्स। तो यहां पे ये क्लियरली सामने आ रहा है कि भाई अच्छा कदम उठाया है कस्टमर के लिए, नेशन के लिए और प्लेनेट के लिए। बट भाई ओला की बात ही कुछ अलग है। ओला S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर मैं पर्सनली बोलता हूं मुझे उतना पसंद नहीं जितना मुझे बजाज या टीवीएस पसंद है, बट यहां पे भाई टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें 8 साल 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। यू गेट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, 151 किलोमीटर का ये सर्टिफाइड रेंज बोलते हैं, 125 का एक्चुअल मिलेगा बोलते हैं। मैं बोलूंगा 100 किलोमीटर का भी मिल गया ना फिर भी वो परवट रहा है, इट इज क्वाइट रीजनेबल। 90 kmph का टॉप स्पीड है, क्रूज कंट्रोल है, 0 to 43.3 seconds में कर देता है, बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, प्रॉक्सिमीटर लॉक अनलॉक है, ऑटो इंडिकेटर ऑफ है, नेविगेशन है, ओला इलेक्ट्रिक ऐप मिल जाता है, पार्टी मोड है, इको मोड है, राइडिंग प्रोफाइल्स ऐप कर सकते हो, मूड्स ला सकते हो, एनर्जी इनसाइट मिलेगा, ड्यूअल टोन बॉडी मिल जाएगा, स्ट्रॉन्गर ग्रैब रेल मिल रहा है, फ्लैट फुटबोर्ड मिल रहा है, 34 liters का बूट स्पेस मिल रहा है। तो आप बोलो बजाज का जो ये CNG है इसमें कितना बूट स्पेस मिला? ऑफकोर्स इट इज अ मोटरसाइकिल सो यू वोंट गेट अ लॉट ऑफ बूट स्पेस, बट स्टिल If you compare, considering the features, considering the running cost, considering other parameters, excluding the battery wala cost and the life wala thing, the electric is way better than the CNG plus petrol hybrid. तो guys, ये detail video मैंने आपके लिए बनाया है और आपका प्यारा support मुझे लगेगा। Please इस video को like करना, चैनल को subscribe करना, दोस्तों के साथ share करना, क्योंकि आपका प्यार, आपका motive, आपका जो प्यार है, like, share, subscribe, आप comment भी कर दो ना, तो मुझे motivation मिलता है और अच्छी videos में बनाते रहूँगा। तो मिलेंगे guys हम next video में। I hope आपको clear हो चुका है कि still electric two wheeler is better than the CNG प्लस पेट्रोल हाइब्रिड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, रेंज एंग्जाइटी सिटी में कम होती है, रेंज एंग्जाइटी, क्योंकि आपको चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है, आप कम रेडियस में गाड़ी चला रहे हो तो चार्ज कर सकते हो। कोई कोई लोग बोलेंगे कि रेंज एंग्जाइटी, तो सिटी के लिए बात कर रहा हूं, रेंज एंग्जाइटी कम है। अगर आपको सिटी के बाहर जाना है तो बजाज फ्रीडम इज बेटर, बिकॉज पेट्रोल डाल के उसको चला सकते हो आप, कितना भी चलाना है, 2 liter पेट्रोल डाल के उनका कहना है 130 किलोमीटर चल सकता है, वे बेटर। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सिटी, आई स्टिल फील कि इलेक्ट्रिक इज वे बेटर देन द CNG प्लस पेट्रोल हाइब्रिड। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।